हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में हेट स्पीच को लेकर बनाई गई पुलिस एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने देहरादून एसपी देहात के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में देहरादून एसपी देहात कमलेश उपाध्याय के साथ हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र अधिकारी एक इंस्पेक्टर और दो सब इंस्पेक्टर को शामिल किया गया है। हेट स्पीच मामले में आपको बता दें कि हरिद्वार नगर कोतवाली में भड़काऊ भाषण देने पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसमें एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं हरिद्वार भूपतवाला स्थित एक आश्रम में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। हेट स्पीच को लेकर इस पर एक एसआईटी का गठन मुख्यालय स्तर से किया गया है, जिसमें कि जो सीओ ज्वालापुर है वो इसमें है, इसका पर्यवेक्षण जो एसपी देहात देहरादून है वो कर रहे हैं। इसमें एक इंस्पेक्टर और दो उप निरीक्षक भी हैं और उनके द्वारा विवेचना की जाएगी। सर, अभी तक कुछ जांच में सामने आया, कितनी जांच पहुंची? अभी जांच प्रचलित है, अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जांच।